शिक्षा भर्ती के लिए जो टेस्ट है वो भी किए हैं, लेकिन भर्ती नहीं होती। यूपी में मैं तो ऐसे लोगों से मिली हूं जिन्होंने 6-6 बार एग्जाम दिया, क्योंकि घोटाले हो रहे हैं उसमें। तो एक तरफ से भर्ती भी नहीं होती, पद खाली हैं, उनको भरा नहीं जाता। जो रोजगार बनाने के माध्यम थे उनके बारे में आप थोड़ा सा सोचिए, रोजगार बनते कहाँ से थे? एक तो बड़ी बड़ी जो सरकारी PSU होते थे, BHAL, HAL, इस तरह के जो PSU थे, इनसे बहुत रोजगार बनते थे। और सब चाहते भी थे कि सरकारी किसी बड़ी संस्थानों में ही हमारी नौकरी हो जाए, तो हमें सुरक्षित पूरा जीवन हम सुरक्षित रहेंगे, पेंशन भी अच्छा मिलेगा। आज स्थिति क्या है? जितने PSU थे, जितनी बड़ी बड़ी जो देश की संपत्ति थी, वो अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों को सौंप दिए हैं कौड़ियों के दाम पे। तो रोजगार कैसे बनेंगे उनमें से? नहीं बन सकते। अब छोटी दुकानें, छोटे उद्योग, जैसे मैंने यहाँ रास्ते में बहुत सारी देखी, और मैं देख रही थी कि छोटी छोटी दुकानें हैं। आपने इन दुकानदारों के, इन छोटे उद्योगपतियों की कमर तोड़ रखी है। पहले आप नोटबंदी लाए, नोटबंदी से इनका नुकसान हुआ, उसके बाद कोरोना आया। कोरोना में शायद इसी हमारे ही देश में किसी को राहत नहीं मिली होगी, बाकी देशों में दुकानदारों को, छोटे बिजनेसों को खास राहत मिली थी कोरोना के समय, यहाँ नहीं दी गई, ठीक है। उसके बाद क्या किया इन्होंने? GST लाए, GST से और भी मुश्किलें बढ़ गई। तो जो छोटे उद्योग थे वो लगभग बंद होने के कगार पे आ गए, और जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनके हजारों करोड़ लोन माफ हो रहे हैं, उनके उद्योग बड़े होते चले जा रहे हैं, उनको देश की संपत्ति सौंपी जा रही है, तो वहां से भी रोजगार नहीं आने वाले। तीसरी जगह जहां से रोजगार आते थे, खेती किसानी से और ग्रामीण रोजगार से। मनरेगा को इन्होंने कमजोर बनाया, किसानों की कमर तोड़ी, हर जगह हर तरफ से महंगाई, पेट्रोल डीजल खाद कुछ भी हो, किसानों को कोई राहत नहीं मिली। बल्कि इस तरह के कानून ला रहे थे जिससे आपके जो हक हैं वो और भी कम हुए। आपने, आप ही के संघर्ष थे, किसानों का जो बड़ा संघर्ष था उसकी भी कोई सुनवाई नहीं रही। तो रोजगार के जो माध्यम थे वो लगभग बंद हो गए। इसके साथ साथ महंगाई बढ़ती चली जा रही है। आपके जीवन में संघर्ष है, किस लिए है? अपने बच्चों का भविष्य बनाते हैं आप, बचत करने की कोशिश करते हैं, आज हर चीज पे GST, बच्चों की किताबें खरीदने जाएंगे GST महंगी हो गई, यूनिफॉर्म खरीदना है महंगा हो गया, इलाज कराना है किसी का महंगा है, 10 बार सोचना पड़ता है कि अस्पताल ले जाएं, अस्पताल में पता नहीं डॉक्टर मिलेगा कि नहीं। अगर घर में कुछ नुकसान हुआ है, कुछ टूट गया है, उसकी मरम्मत करवाने के लिए सीमेंट पे GST, रोड़ी पे GST, बालू भी महंगी, तो आप आगे बढ़ कैसे पाएंगे? एक तरफ बेरोजगारी, दूसरी तरफ महंगाई। मैंने आपकी बात की, आप सुन रहे हैं, सरकारी जितने भी अधिकारी हैं, जिसकी भी सरकारी नौकरी है, एक ही मांग है आपकी, आज एक ही मांग है कि हमारी पुरानी पेंशन दे दो, है कि नहीं? और क्यों है ये मांग? क्योंकि जो नौकरी आपने वफादारी से 20 सालों के लिए की, एक तरह से वो भी तो देश सेवा है। आपने देश के लिए सेवा की, आपने नौकरी की, तो क्या ये आपका हक नहीं बनता कि आप बाद में सुरक्षित रहें? तो यही आपकी मांग है कि हमें पुरानी पेंशन स्कीम दिलवा दीजिए। और जवाब क्या मिलता है? ऐसे नेता हैं, ऐसी सरकार है जिससे आपको जवाब मिलता है कि इसके लिए पैसे नहीं है। अगर पैसे नहीं है तो जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, अडानी जी जैसे, उनके कर्ज माफ करने के लिए पैसे कहाँ से आते हैं? हजारों करोड़ रुपए आपने उनके माफ किए, देश की संपत्ति आपने उनको सौंप दी, आप खुद 8,000 करोड़ के एक हवाई जहाज में घूम रहे हैं, अच्छा खासा संसद भवन था, उसके सुंदरीकरण में आप 20,000 करोड़ डालने के लिए तैयार हैं,
एक बड़ा हॉल बनाया आपने दिल्ली में, 27,000 करोड़ उसमें आप खर्च रहे हैं, और फिर आप कहते हैं कि आपको आपके पास पेंशन के लिए पैसे नहीं, आप कहते हैं कि किसानों के पास उनके कर्ज माफ करने के लिए पैसे नहीं है, तो जनता का विश्वास कैसे होगा आप में? बड़े बड़े इवेंट होते हैं, मीडिया रोज रोज आपको बताती है कि कितना काम हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है देश में, लेकिन क्या आप अपने जीवन में इस काम को देख रहे हैं? आपका जीवन कैसा है? मैं आपसे पूछना चाहती हूं, इतने सालों से भाजपा की सरकार आपके प्रदेश में है, क्या आपके जीवन में तरक्की हुई है? बताइए, तरक्की हुई है? आपको रोजगार मिले हैं? महंगाई घटी है? तो आपके लिए क्या कर रही है सरकार? आपने तो पहले ही अपनी उम्मीद गिरा दी। आप तो कह रहे हैं कि भैया हमें न्यूनतम उम्मीद है कि हमारे संघर्ष में मदद कर लो। इतना भी नहीं हो रहा है आज आपके लिए, इतना भी नहीं हो रहा है। जो देश और प्रदेश में सरकार चल रही है वो बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए चल रही है, उसमें मिडिल क्लास, गरीबों के लिए, किसानों के लिए कुछ नहीं है। और जब हम ये चीजें उठाते हैं, जैसे जब हम आरक्षण की बात करते हैं, अब ओबीसी एससी एसटी के आरक्षण की बात हम करते हैं, या हम कहते हैं कि चलो जातिगत जनगणना कर लो, इसका मतलब क्या है? जातिगत जनगणना का मतलब है कि गिनती कर लो। हम जानना चाहते हैं कि देश में ओबीसी वर्ग के कितने लोग हैं, देश में एससी वर्ग के कितने लोग हैं, एसटी के कितने लोग हैं, क्योंकि अगर सरकार जानेगी नहीं तो सही तरह से न्याय कैसे दे पाएगी? जब हम आरक्षण की बात करते हैं, जब हम रोजगार देने की बात करते हैं, चलिए ये भी छोड़िए, जब हम ये बात करते हैं कि हमें ओबीसी वर्ग के लिए कोई ऐसी योजना बनानी है जिससे आप मजबूत बनेंगे, जैसे आप ये सारे काम करते हैं, इनको मजबूत करने के लिए, आपको थोड़ी सी सहायता देने के लिए हम योजना बनाना चाहते हैं, तो अगर हमें यही नहीं मालूम कि कितने लोग हैं किस वर्ग के, तो हम ये योजनाएं कैसे बनाएंगे? तो हम कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना करो। बिहार में की गई है, एक गिनती की गई है, उसके तहत 84% जनता, आधे से बहुत ज्यादा एससी एसटी और ओबीसी निकली। अब आप अगर देश में देखें तो जहां जहां ऊंचे पद हैं, बड़े बड़े उद्योगपतियों को देखिए, मीडिया के जो बड़े बड़े चैनलों के जो सबसे ऊपर सबसे हेड हैं उनको देखिए, आप सचिवों को देखिए सरकार के, आप यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स को देखिए, तो आपको पता चलेगा कि ये प्रतिनिधित्व आज नहीं है। 84% अगर ये ओबीसी एससी एसटी वर्ग के लोग हैं, लेकिन 90% से ज्यादा आपको मिलेंगे कि इन वर्गों से नहीं है जो इन बड़े बड़े पदों में हैं। तो न्याय की बात है, न्याय की बात है कि अगर 84% इस वर्ग के हैं तो कम से कम उनको भागीदारी मिलनी चाहिए, उनका प्रतिनिधित्व न्यायपूर्वक होना चाहिए, लेकिन आप तो गिनती करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन हम कहते हैं जातिगत जनगणना करो, ये लोग मौन हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं, लेकिन बड़े बड़े इवेंट करते हैं कि हम ओबीसी को बढ़ाना चाहते हैं आगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं, जब हम कहते हैं गिनो भाई कितने हैं, गिनना नहीं चाहते। महिलाओं को देखिए, महिलाओं को आरक्षण कांग्रेस पार्टी ने दिए 33%, इसलिए गांव गांव में आज महिलाओं का प्रतिनिधित्व है। बहनें बैठी हैं, सबसे ज्यादा बोझ उठाती हैं समाज का। आप काम करती हो, नौकरियां भी करती हो, खेती भी करती हो, घर आकर पूरा घर संभालती हो, अपने परिवारों की परवरिश करती हो, सबसे ज्यादा बोझ आपके कंधों पर है, लेकिन आपको पहचानने वाला कोई नहीं है। आपको प्रतिनिधित्व दिया गया राजनीति में ताकि आप सक्षम बन सकें, आपके लिए तरह तरह के कार्यक्रम और योजनाएं बनाई गई। ये लोग कहते हैं हमने महिलाओं को 33% आरक्षण दे दिया,
खूब बड़ा सारी मीडिया ने बताया कि आरक्षण दे दिया, बिल पास हो गई, मोदी जी के बारे में क्या क्या अच्छी बातें की। पता चला ये आरक्षण 10 सालों के लिए लागू ही नहीं होगा। तो सच्चाई कुछ है और इवेंटबाजी कुछ और है। जो आप होर्डिंग्स में देख रहे हैं, जो आप मीडिया में देख रहे हैं, टीवी पे देख रहे हैं, ये आपको बताया जा रहा है कि एक बहुत सुनहरा दौर आ गया है हमारे देश में। तो ये सुनहरा दौर आपके घरों में क्यों नहीं है? ये सुनहरा दौर जो इस देश में फैला हुआ है आपके घरों तक क्यों नहीं पहुंचा? आपके दरवाजों तक क्यों नहीं पहुंचा? आप क्यों जूझ रहे हैं? आप क्यों परेशान हैं? आप क्यों गरीब के गरीब रहे हैं? यहां आज भी पानी की किल्लत क्यों है? यहां से लोग पलायन क्यों कर रहे हैं? जो आपकी मांगे हैं कि महंगाई से राहत मिले, हमारे बच्चों को रोजगार मिले, शिक्षा के लिए अच्छी सुविधाएं बने, स्वास्थ्य की सुविधाएं बने, ये पूरी क्यों नहीं हो रही हैं? और क्या बहाना है कि 18 सालों से सरकार में रहे हैं और आज तक ये सब काम नहीं कर पाए? तो देखिए, असलियत आपके सामने है, सच्चाई आप जानते हैं। महंगाई है, बेरोजगारी है, मुश्किलों से भरा जीवन है, फिर भी नेता आते हैं आपके सामने क्या बातें करते हैं? एक तो चुनाव के पहले सारी घोषणाएं, अब वो घोषणाएं पूरी हुई हैं कि नहीं हुई हैं? जो पिछले चुनाव में घोषणाएं की थी वो पूरी की हैं इन्होंने कि नहीं, बताइए। उन्होंने क्या कहा था इससे पहले वाले चुनाव में? शायद बोला था कि लाखों रोजगार देंगे, फिर 2018 में बोला 10 लाख रोजगार देंगे, पिछले 3 सालों में 21 रोजगार दिए हैं। तो छोड़ दीजिए कौन सी पार्टी के हैं, मैं इसलिए आलोचना नहीं करूंगी क्योंकि भाजपा के हैं, ठीक है भाजपा के हैं, अरे भाई जवाब दे तो बनाइए इनको, कौन बनाएगा इनको जवाब दे? आपने एक ऐसा सिलसिला शुरू करवा दिया इस देश में जिसका नुकसान आप भुगत रहे हैं और आपको इसके बारे में एहसास नहीं हो रहा है। सिलसिला क्या है कि जो नेता है वो समझ गया है कि चुनाव के समय खोखली घोषणाएं कर लो, धर्म की बात कर लो, राजनीति में धर्म चलाएंगे तो चलाएंगे चुनाव के समय, जाति की बात कर लो और नैया पार हो जाएगी, काम करने की कोई जरूरत नहीं है। अभी मैं छत्तीसगढ़ गई थी, मैंने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी से पूछा आपका चुनाव कैसा चल रहा है, कहते मेरा तो ठीक है, मैं जीतने वाला हूं। मैंने कहा आप बड़े कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं, कहते हाँ कॉन्फिडेंस से कह रहा हूं, काम किया है मैंने। मैंने जनता की संपत्ति जनता के जेब में डाली है, मैंने ग्रामीण रोजगार बनाए हैं। उन्होंने कहा ग्रामीण रोजगार बढ़ाए हैं, छत्तीसगढ़ में खेती के में रोजगार बढ़ रहे हैं, लोग किसानी में वापस आ रहे हैं, विश्व प्रसिद्ध बना दिए उन्होंने।